ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को, ये देखिए अतिकामत का काफिला जो है रुका हुआ है और सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी है, भारी सुरक्षा व्यवस्था है वहां पर, फ्यूल लिया जा रहा है, इसलिए यहां पर ये दूसरा हॉल्ट था। और इसके अलावा जो तमाम तस्वीरें हैं अत्याधुनिक हथियारों के साथ ये सुरक्षा कर्मी लैस है कि किसी भी आपात सिचुएशन से निपटने के लिए वो अपने आप को तैयार रखा हुआ है। यूपी पुलिस ने ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, दो गाड़ियां हैं जीवान और उसमें एक में अतिक की मौजूदगी है, दूसरे में सुरक्षा कर्मी मौजूद है और अतिक के साथ भी सुरक्षा कर्मी अंदर मौजूद है। और ये जो तमाम आप तस्वीरें देख रहे हैं वो मीडिया का जमावड़ा भी है वहां पर, मीडिया साथ साथ, लेकिन फिर भी अतिक अहमद और उसके परिवार को डर सता रहा है। अरविंद ओझा हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। अरविंद, तस्वीरें दिखाएं, अपडेट बताएं। जी बिल्कुल, देखिए एक गाड़ी, दो गाड़ी, अब हम ये सीधे आपको तस्वीरें दिखाते हैं। पेट्रोल पंप पर जो पेट्रोल भरा जा रहा था, सबसे पहले आप दिखाइए प्रदीप गुप्ता, ये दो गाड़ियां आगे चल रही हैं। हम आज तक पर आपको लाइव ये दिखा रहे हैं कि अतीक अहमद की सुरक्षा में कितनी गाड़ियां हैं, दो गाड़ियां, उसके बाद ये जो गाड़ी है इस गाड़ी में अतीक अहमद बैठा हुआ है, जबकि पीछे की तरफ इसी तरह का सामान जो जेल वैन है वो है, यानी दो जेल वैन और दो गाड़ियां आगे की तरफ और उसके पीछे दो गाड़ियां, और इस तरह की सिक्योरिटी है अतीक अहमद की। उत्तर प्रदेश में दाखिल होने के बाद दूसरा स्टॉपेज था, पहला था रिजर्व पुलिस लाइन, जहां पर पुलिसकर्मियों ने काफी आराम किया, खाना पीना खाया, उसके बाद यहां पर पेट्रोल भराया गया और अब यहां से जो काफिला है वो प्रयागराज की तरफ बढ़ चुका है। तो ये माना जा रहा है कि तकरीबन 5 घंटे लगेंगे प्रयागराज पहुंचने में, 6 से 7 घंटे तक। लेकिन हमने आपको वो तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से अत्याधुनिक हथियारों से लैस वो पुलिसकर्मी बकायदा अतीक अहमद के साथ बैठे हुए हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट लगाकर बैठे हुए हैं, पुख्ता सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये सेकेंड हॉल्ट था, उसके बाद अब ये फिर से काफिला रवाना हो चुका है। लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जो सामने जो गाड़ी है इसी गाड़ी में अतीक अहमद को बिठाया गया। हालांकि पेट्रोल पंप पर हमने अतीक अहमद से बात करने की कोशिश की, उसका रिएक्शन जानने की कोशिश की, क्योंकि कल जो अदालत है वो उमेश पाल की किडनैपिंग फॉर रैमसम मामले में अपना फैसला सुनाएगी, तो ऐसे में रिएक्शन जानने की कोशिश की, लेकिन अतीक अहमद ने कोई बातचीत नहीं की। और वैसे भी अगर इस गाड़ी के आसपास कोई जाता है तो पुलिसकर्मी उसको दूर कर देते हैं, बकायदा हुटर बजता है और बकायदा अनाउंसमेंट होता है। तो हमने दिखाया कि दो गाड़ी आगे की तरफ, दो जेल वैन और उसके बाद जो पुलिसकर्मी है वो पुलिसकर्मी पीछे की तरफ भी है, तो आज तक एकदम बेहद करीब है। और इस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था के बीच, और जरा आपको प्रदीप गुप्ता दिखाएं कि देखिए ये टोल है और टोल के दूसरी तरफ अगर आपको दिखाएं तो यहाँ तमाम पुलिसकर्मी और लोग यहाँ पर मौजूद है। जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है वैसे वैसे लोग सड़कों पर हो रहे हैं, कोई मोबाइल वीडियो बना रहा है, और इस तरीके से बकायदा जो टोल नाका है, जो चौराहा है, उसको रोका जाता है और फिर जो गाड़ियों का काफिला है वो आगे बढ़ने लगता है। हर जगह, हर नाके पर पुलिस मौजूद है, पहले से मैसेजिंग की गई है कि ये काफिला यहाँ से आगे निकलेगा, लिहाजा जो तमाम पुलिसकर्मी हैं वो अलर्ट मोड पर हैं, बकायदा जो ये रूट है उसको क्लियर कराया जाता है और उसके बाद ये काफिला आगे बढ़ जाता है। धीरे धीरे करते हुए ये जो काफिला है वो प्रयागराज की तरफ बढ़ रहा है, झांसी क्रॉस हो चुका है, चित्रकूट आने वाला है। लेकिन जो पेट्रोल पंप पर तस्वीरें दिखाई और जो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, इससे आप समझ सकती हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस पर कितना दबाव है, उसके अलावा कितनी बड़ी जिम्मेदारी है माफिया अतीक अहमद को प्रयागराज तक पहुंचाने की। और साथ ही साथ आपको बताऊं कि जो अतीक अहमद का परिवार है वो भी साथ चल रहा है आशुतोष, और आज तक अतीक अहमद की, अगर आप जो बहन है तो भी बता दीजिए कि ये रूट कौन सा है जो यूपी पुलिस अतीक को लेकर जा रही है, किस रूट से लेकर जा रही है, क्या एक बार फिर से हम एमपी के सीमा में प्रवेश करेंगे फिर यूपी आएंगे? देखिए मैं आपको बताऊं कि जो अभी जो रूट समझ में आ रहा है, झांसी से चित्रकूट महोबा होते हुए प्रयागराज की तरफ वो जो ये काफिला है वो बढ़ रहा है, तो अभी जो झांसी है वो क्रॉस हो चुके हैं, अब चित्रकूट आने वाला है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर जो ये काफिला है वो अब चढ़ने वाला है कुछ देर के बाद। दूसरा हॉल्ट था उत्तर प्रदेश में दाखिल होने के बाद, जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक राहत की सांस तो जरूर ली होगी, क्योंकि गुजरात के अहमदाबाद से अतीक अहमद को बकायदा जेल से लिया था प्रोटेक्शन वारंट पर, चूंकि कोर्ट का आदेश था। उसके बाद गुजरात के बाद दूसरा स्टेट पड़ता है राजस्थान,
राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पुलिस अब उत्तर प्रदेश में आने के बाद पहला हॉल्ट किया, तकरीबन एक घंटे तक वो जो पुलिस रिजर्व लाइन है वहां पर रुकी, वहां पर कुछ पुलिसकर्मी वो बदले गए और कुछ सवार हुए, जो ड्राइवर था वो बदला गया, वो सवार हुआ, कुछ एक्स्ट्रा फोर्स भी तैनात हुई और उसके बाद ये काफिला देखा। देखिए ये सीधे हम तस्वीरें आपको फिर से दिखा दे, जरा सुरक्षा को समझिए, ये दो जेल वैन है, उसके आगे तीन गाड़ियां हैं, ये तीन गाड़ियां आगे की तरफ है, पीछे दो जेल वैन है और जेल वैन में बैठा हुआ है अतीक अहमद। बेहद करीप से ये तस्वीरें देखिए और कैमरामैन प्रदीप गुप्ता आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पूरा जो रास्ता है वो क्लियर किया गया है, पूरा रूट है वो क्लियर किया गया है। जो आगे सबसे आगे की तरफ गाड़ी है उसमें हुटर है, उसके पीछे जो गाड़ी है उसमें जो पुलिसकर्मी है उसके हाथ में माइक है, अगर बीच में कोई गाड़ी या फिर जो ट्रैफिक जैम होता है तो अनाउंसमेंट होता है, हुटर बजता है और रास्ता क्लियर हो जाता है। उसके अलावा जो पुलिस है दूसरे जिले की, जैसे ही एक जिला क्रॉस होता है दूसरे जिले में आता है, दूसरी जो पुलिस जिले की पुलिस है वो पहले से मौजूद होती है, पूरा रास्ता क्लियर करा चुकी होती है और उनको ये मैसेज होता है कि ये रूट आ रहा है तो ट्रैफिक को रोक दिया जाता है। जब ये काफिला गुजरता है उसके बाद ही फिर जो वहां पर ट्रैफिक है उसको चालू किया जाता है। तो तकरीबन 5 घंटे लगेंगे प्रयागराज पहुंचेगा, अतीक अहमद का हिसाब किताब होना है, 100 से ज्यादा मुकदमे हैं, पहले मुकदमे में फैसला आएगा।